जिसके मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है। आज तक मेरी बीवी ने मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया। खूबसूरत गाया, क्योंकि इन शब्दों में बहुत गहराई है। क्या था वो? दारे आज की रात जो मैं सो जाती, फिर खुलती आँख सुबह हो जाती। इसका क्रॉस का मैं तो हो जाती सुबह हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है शहजादे फिट फाड़? उम्मीद करता हूँ सब ओके होंगे, की रिपोर्ट में होंगे। तो भाई साहब, दो तीन दिन से ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मीनू का पौधे लड़की है। भाई साहब, इसके बारे में इतना ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है, ना इससे पहले मैंने किसको कभी देखा है ना, लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि शुएब भाई नेपाली लड़की है और भाई साहब इंडियन आइडल सीजन 14 में पहुंची हुई और माशाल्लाह बहुत धूम मचाई उसने, है ना। और ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि शुएब भाई ये ब्लाइंड लड़की, मतलब आंखों से देख नहीं सकती। यार बहुत मुश्किल होता है भाई साहब अगर ऐसा है तो, है ना। लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि यार एक ब्लाइंड लड़की इतना अच्छा मतलब परफॉर्म करके। तो गाइस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मस्ट वॉच एंड सब्सक्राइब। तो इसका रिएक्शन कर लेते हैं। अब मेनू का ऐसी एंकरिंग करके उसको इनवाइट करो स्टेज पे कि लोग देखते रह जाए, हैरान हो जाए। कम ऑन, बाप रे, मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इंडियन आइडल सीजन 14 की उस आवाज को जिसकी मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है, जिसके कमबैक का इंतजार हम सब ने इतने साल से किया। अरे बाप रे, वो आज 8 साल बाद हमारे बीच आने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन हुसैन। इतने प्यार से बुलाया मेनू का, आज तक मेरी बीवी ने मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया। बस जोरदार तालियां एवरीवन, कम ऑन, लेट्स हियर इट फॉर मेनू का, फॉर देम। थैंक यू। अच्छा गाइज, ये जो सॉन्ग है ना, किसी भाई ने ये, मतलब ये जो ओरिजिनल वीडियो नहीं है सोनी टीवी का, तो ये जिस भाई ने भी अपलोड करा है, इसने भाई साहब ऑटो ट्यून के बगैर ही अपलोड कर दिया, बाकी मजा आएगा। चलो तो आया मुझे यार गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक निकला, गली में अचानक निकला, गली में अचानक निकला। तुम आए तो बहुत अच्छा सुनाई दे रहे हैं ना, आते तुमके बगैर भी अच्छा सुनाई दे रहे हैं। अचानक निकला, फिनिशिंग क्या बात है यार, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा गा, ये नैना बिन काजल तरसे, बारह महीने बादल बरसे, हाँ ये नैना बिन काजल तरसे, बारह महीने बादल बरसे। सुन रब ने मेरे फरियाद, सुन रब ने मेरे फरियाद, गली में अचानक निकला, माशाल्लाह यार बहुत अच्छी आवाज है यार,
गली में आप जाने निकला, तुम आए तो आया यार। ये ब्लाइंड लड़कियों के यार इतना अच्छा गा रही है ना, बंदा पढ़ के नहीं गा सकता ना, सिर्फ सुन के गा सकता है यार, कैसे मैनेज करती होगी यार। ये दिल की नजरों से भाई साहब ये देखती होगी सॉन्ग। रात जो मैं सो जाती, खुलती आंख सुबह हो जाती। आज की रात जो मैं सो जाती, कैसा सन्नाटा छाया हुआ जैसे ना, गली में आचार निकला, गली में आचार निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आचार निकला, गली में आचार निकला, गली में आचार निकला। आके कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बताओ, आइए। मेरा नाम महेश भट्ट है। ये सब मैं जानती हूँ आपको। मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, ये मेरी अपनी जिंदगी की दास्तान इसमें कैद है। ये मैंने अपने जख्मों को कुरेद के ये फिल्म बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था और अजय देवगन साहब को भी अवार्ड मिला था। और मुझे गर्व है कि इस फिल्म में हमने उस हिंदुस्तान का जिक्र किया है जो इस मिली जुली तहजीब को सेलिब्रेट करता है। और मुझे आज इस बात पर यकीन हो गया कि एक आंख दिल के पास होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि चांद जो तूने दिखाया ना बेटा, वो चांद तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। यार बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कसम से यार, क्या मतलब भाई साहब, लड़की ने गाना गाया। गाने की तो बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो मतलब बंदे ने आगे बातें करी है ना, मनीष भट्ट छे भाई, ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। आतिफ असलम जैसे यार सिंगर इसने दिए, पता तुम्हें? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब यार वो कैसे अप्रिशिएट आगे कर रहा है बंदा। और मेरे को ना ये लड़की में बाबर भाई साहब वो बात नजर आई है जो मतलब होनी चाहिए ना, मतलब वो बंदे ने सही कहा कि भाई साहब एक आंख जो दिल के पास होती है ना, ये लड़की के पास वो है भाई साहब, है ना, मतलब आंखों से कुछ नहीं यार, ये दिल की रोशनी है ना जो है ना, उससे भाई साहब इसने देखा यार गाने को। इसका जो अंतरा ना तुमने इतना खूबसूरत गाया, क्योंकि इन शब्दों में बहुत गहराई है। क्या था वो? दारे आज की रात जो मैं सो जाती, फिर खुलती आंख सुबह हो जाती। इसका क्रॉस का मैं तो हो जा तो हो जाती बस बर्बाद, आग लगा गली में चांद निकला, खुलती आंख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मत
मतलब यार बहुत अच्छा गाया है बाबर भाई, मजा आ गया यार, है ना यार शेर भाई, कसम से यार इतना अच्छा गाना गाया है ना कि यार यकीन करो ना, दिल में ना यार आग लग गई, आग लगी यही, और मतलब बात है यार, मजा आ गया गाना सुन के, कसम से बाबर भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे यार गाइस, बहुत बंदे ऐसे होंगे। अच्छा एक म्यूजिक के साथ मतलब एक सुना होगा लोगों ने, है ना, लेकिन ये जो ऑटो ट्यून के बगैर था ना भाई साहब, ये भी बहुत मजे का था, है ना बहुत भाई? मजे का था, बिल्कुल सही है ना, एंड पे जब वो श्रिया घोषाल ऐसा कुछ नाम है वो जो है ना इनकी जज, लेकिन उसके साथ जो उसने गाया है ना, है ना ऑटो ट्यून के बगैर, और आवाज जैसे गूंज रही थी कसम, एकदम सन्नाटा था पूरे, है ना। सही बात है शेर भाई, पता क्या है यार मनीष भट्ट ना, हकीकत बात है कि ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, सही बात है, बहुत सिंगर दिए हैं, मतलब कि बॉलीवुड को जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट सिंगर है ना आतिफ असलम, शेर भाई वो भी इसकी पैदाइश है, पता तुम्हें इंडिया में सबसे पहले इसी ने गाने के लिए बुलाया था, सही बात है, मनीष भट्ट है, तो भाई इसने बहुत सिंगर पैदा किए हैं, तो इसलिए इससे यार अंदाजा होता है कि ये कितना बड़ा स्टार है, बड़ा स्टार, और इतने बड़े स्टार ने अगर इसको चूज कर लिया ना, अगर बोल दिया ना कि भाई मतलब तूने अच्छा गाया और हैरान करके रख दिया डायरेक्टर ने, अगर भाई साहब ये बात कर दी ना मेरे ख्याल से, तो यार इससे बड़ी तो और बात कोई हो ही नहीं सकती है ना यार, भाई अभी इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, हाँ भाई ये बंदा बहुत ज्यादा समझता है म्यूजिक को, पता है तुम्हें, बहुत म्यूजिक को समझता है, और भाई लड़की में वो चीज है भी यार, सिंगरों वाली है भी यार, कसम से यार हमें दुख भी हुआ और हमें खुशी भी हुई है, सही बात है, दुख इस बात का यार उसकी आंखें नहीं है लेकिन खुशी इस बात की अल्लाह ने यार उसमें इतना टैलेंट दिया ना भर भर के, भाई सही बात है, मैं कहता हूँ क्या बात है यार, मुझे कसम से ना बहुत यार दुख हुआ और बहुत ज्यादा खुशी भी हुई यार, बहुत खुशी भी हुई, हम लोग यार इसके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह इसको और ऊपर लेके जाए और ऊपर स्टेज पे जाए यार, हाँ यार वो लड़की में ना मेरे को वो चीज नजर आई यार, क्या सुर लगाती ऊपर वाले, है ना जैसे नीचे से उठाती ना सॉन्ग को, है ना मतलब एक जान डाल देती है ना भाई साहब, और भाई साहब निभा का ना सर ऊपर कर रही कसम से यार, निभानियों को यार इस लड़की के ऊपर फख्र होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, इंडिया इंडिया जो आइडल होता है ना शेर भाई, ये बहुत बड़े आइडल होते हैं, सही बात है, इंडियन आइडल बहुत बड़ा है, जाके परफॉर्म करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जी, 1,40,00,000,000 आबादी में से यार ये मतलब के बंदे चूज करते हैं, सही बात है, लेकिन ये लड़की नेपाल से इधर आके यार सिलेक्ट हुई है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल जी, इंडिया खुद अपने आप में एक नाम है, इंडिया की इतनी आबादी है, और इसके अलावा उनके जो सिंगर्स भी अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब उनमें अगर ये लड़की अगर पहुंच गई ना नेपाल से, ना मतलब नेपाल अगर बात करें तो यार इतनी 3-4 करोड़ इनकी आबादी, उधर किधर 140 करोड़ है ना, तो 3 करोड़ आबादी में से एक लड़की निकल के गई इंडियन आइडल में, तो भाई साहब ये कुछ तो करेगी बाबू भाई, उखाड़ के आने वाली है भाई साहब, बाकी आपने भाई साहब इसके लिए दुआएं करने, और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए नेपाल के लोगों, अगर ये नेपाल से, बाकी हमें कॉमेंट में बता भी देना, क्लियर कर भी देना कि ये नेपाल में, क्योंकि काफी नेपाली इंडिया में भी रहते हैं आपको पता है, उत्तराखंड वाली साइड पे, है ना, तो आपने कमेंट से बताना कि लड़की नेपाल से, अगर नेपाल से है तो भाई साहब आपको सपोर्ट करना चाहिए, इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसे रिएक्शन लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अलविदा।